उत्तर प्रदेश में विभागों के बंटवारे के बाद मंत्रियों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर लखनऊ में मौजूद हमारे संवाददाता शारिफ जारवी ने उनसे खास बातचीत भी की। उत्तर प्रदेश में विभागों के बंटवारे के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी कार्यभार संभाल लिया है। केशव जी, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आपको? नहीं, निश्चित तौर से यह मैं सौभाग्य मानता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं कि मुझे गाँव की सेवा करने का एक ऐसा अवसर दिया गया है जो शायद मेरा सपना भी था और उसे साकार करने का मौका भी मिला है। तो अब हम सारे विभाग के सब अधिकारियों के साथ बैठ करके जल्द ही इसको जमीनी स्तर पर इस सारी योजनाओं को कैसे पहुंचाया जाए इसकी रणनीति बनाएंगे और 100 दिन का, फिर आगे 6 महीने का, फिर आगे 1 वर्ष का जो कार्य योजना है उसको बना करके नीचे तक पहुँचाने का। 100 जो आबादी है पूरी उत्तर प्रदेश की, उसमें करीब 70% ज़्यादा देहात में रहती है, गाँव में रहती है, तो ये अच्छा है ना। मैंने कहा ये तो मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। टारगेट दिया गया है 100 दिनों का और कुछ जॉब देने का वादा किया गया है क्या? जॉब तो जो विभाग मेरे पास है उसमें तो जॉब ही जॉब है, मतलब चाहे वो मनरेगा के माध्यम से, चाहे रोजगार की दृष्टि से, चाहे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, यहाँ तो जॉब ही जॉब, रोजगार के ही अवसर भरे पड़े। आप ही के पास वो विभाग है जो सेंट्रल की स्कीमें हैं तमाम आपको इम्प्लीमेंट करना होगा? हाँ, निश्चित तौर से इम्प्लीमेंट कराने का काम करेंगे। हमारा यही लक्ष्य है कि जो भी योजनाएं केंद्र सरकार के माध्यम से, प्रदेश सरकार के माध्यम से लोगों के लिए बनी है उन तक पहुँचाऊँ। ये थे केशव प्रसाद मौर्य जी, जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई है वो निभाएंगे और सरकार की जो खासतौर से प्राथमिकताएं हैं उसको वो जरूर पूरा करेंगे। सहारा समय के लिए लखनऊ से सत्येंद्र राय के साथ शारिक जाफरी।